आगरा पुलिस के दरोगा ने खाकी को किया शर्मसार। किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने पर ग्रामीणों ने खम्भे से बांधकर दरोगा को पीटा। दरोगा की अर्धनग्न पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस कमिश्नर आगरा ने दरोगा को किया निलंबित। इसी के साथ आपको बता दें कि थाना बरहन क्षेत्र के गांव तेहिया में रविवार देर रात थाने पर तैनात दरोगा संदीप कुमार को एक ग्रामीण के घर से आपत्तिजनक हालत में ग्रामीणों ने दबोच लिया। ग्रामीणों का आरोप है कि दरोगा संदीप कुमार घर में कूद कर लड़की के साथ रात के समय छेड़छाड़ कर रहा था। लड़की के साथ दरोगा ने जैसे ही छेड़छाड़ करना शुरू ही किया था, उसी समय विरोध करते हुए लड़की ने चीखना चिल्लाना चालू कर दिया था, जिसकी आवाज़ सुनकर परिवारीजन एवं आसपास के ग्रामीण इकट्ठे हो गए और मौके पर जाकर देखा तो थाना बरहन में तैनात दरोगा संदीप कुमार लड़की के साथ अश्लील हरकतें कर रहा था। ग्रामीणों ने दरोगा को रंगे हाथ पकड़ते हुए इसकी सूचना थाना बरहन पुलिस को दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची थाना बरहन पुलिस ने ग्रामीणों की हिरासत से अपनी हिरासत में लेते हुए दरोगा संदीप कुमार को अपने साथ ले गए और थाना बरहन प्रभारी निरीक्षक कुलदीप सिंह चौहान से बात करने पर उन्होंने बताया कि आगरा कमिश्नर डॉक्टर प्रतिंदर साहब ने दरोगा संदीप कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और इस मामले में विभागीय जांच भी प्रारंभ हो गई है। आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं मार्केट जाती थी तो ये मुझे परेशान करते थे जी। और कौन परेशान करता था? पुलिस वाले। हाँ, परेशान करते थे। यहाँ पे आके चक्कर लगाते रहते थे, गली पे गांव में आते रहते थे जी। और आज घूम के आ गए और जबरदस्ती करने लगे। मैंने मना किया तो करने कि मना करेगी सबको बुलाएगी तो मैं तेरे पापा को एक केस चलाऊंगा। दिनांक 17-18 सितंबर की रात्रि को थाना बरहन पर तैनात सब इंस्पेक्टर संदीप ग्राम तिहैया में एक युवती के साथ पकड़ा गया था। एसओ बरहन की रिपोर्ट के आधार पर उप दरोगा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। पीड़िता की तहरीर के आधार पर थाना बरहन पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर उप दरोगा को जेल भेजा जा रहा है। दरोगा के विरुद्ध अलग से विभागीय कार्रवाई के आदेश भी कर दिए गए। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर शेयर जरूर करें और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबाएं।